आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। समाज के नौनिहालों को शिक्षित करना एवं शिक्षा के लिए सहयोग करना ही सच्ची समाज सेवा है। समाज की जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए सहायता प्रदान कर उनके लिए उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करना ही श्वेतांबर जैन महासंघ का प्रमुख ध्येय है। अपने इसी प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्वेतांबर जैन महासंघ द्वारा हर वर्ष समाज के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता हेतु स्कूल व कॉलेज के नाम से चेक बनाकर विद्यार्थियों व परिजनों को वितरित किए जाते हैं। रविवार को श्वेतांबर जैन महासंघ के यशवंत निवास रोड स्टारलिट टावर स्थित कार्यालय पर स्कॉलरशिप के तहत चेक वितरित किए गए। श्वेतांबर जैन महासंघ के अध्यक्ष कैलाश नाहर, महासचिव विमल तांतड़े एवं सह महासचिव राजेंद्र जैन ने बताया 400 से 500 बच्चों को 5000 रुपए तक के चेक शैक्षणिक सहायता के अंतर्गत वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रतिदिन 150 बच्चों को चेक दिए जा रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों को भी 8 से 10000 की राशि के चेक वितरित किए जा रहे हैं। समस्त राशि की व्यवस्था समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आज जरूरत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप वितरण के दौरान मुख्य रूप से श्वेतांबर जैन महासंघ के मुख्य परामर्शदाता चंदनमल चौरदिया, अध्यक्ष कैलाश नाहर, कार्य अध्यक्ष भवरलाल कासवा, महासचिव विमल तांते, सह महासचिव राजेंद्र जैन, नरेंद्र धाकड़ साहब एवं प्रकाश जी भट्टे। महासंघ के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बच्चों को, स्कॉलर बच्चों को महासंघ द्वारा 400 बच्चों को करीब छात्रवृत्ति दी जा रही है। स्कॉलरशिप जो होनहार बच्चे हैं उनको करीब 4000 से 5000 रुपये प्रति बच्चों के हिसाब से एक बच्चों को देते हैं और इसमें करीब 400 परिवार लाभान्वित होते हैं। और किस तरह से चेक बना कर दिए जाते हैं स्कूलों के नाम? इनके फॉर्म लिए जाते हैं पूरे, इनकी उस पर स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता है, स्कूल की सील लगी रहती है, वहाँ की कितनी फीस है उसकी रफली 40% से लगा के 50% तक फीस हम स्कूल की देते हैं। आपका नाम और पता बताइए। इसी के साथ हम कॉलेज की फीस भी बच्चों की जो देते हैं वो भी उसमें जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनको भी 8 से 10 हज़ार रुपये की फीस हम महासंघ द्वारा प्रदत्त करते हैं। इस तरह से करीब 10 से 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष बच्चों को छात्रवृत्ति महासंघ द्वारा प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष लगभग 400 से 500 बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। आदरणीय चंदनमल जी साहब चोरडिया और कैलाश जी नाहर, विमल जी तांतेड़ के नेतृत्व में ये काम सतत चल रहा है। स्कूल के साथ साथ कॉलेज की फीस का भी प्रबंध यहाँ किया जाता है और जो बच्चे कॉलेज में अपनी फीस नहीं भर सकते हैं उनकी एडमिशन भी कॉलेज में महासंघ द्वारा कराई जाती है। आज कितने बच्चों को छात्रवृत्ति यहाँ पर? हम ये चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो प्रतिदिन जो है 150-150 विद्यार्थियों को बुलाते हैं और उनके चेक वितरित करते हैं। इसकी व्यवस्था महासंघ किस तरह से करता है? जन सहयोग से, श्वेतांबर जैन समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उन लोगों से हम सहयोग प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से ये कार्य किया जाता है।